अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें और आप सबको अपने जमान में रख के सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल आलू बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और कम समय में बनने वाली रेसिपी है। आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पतीली में 2 चम्मच ऑयल शामिल करके फिर इसमें छोटा सा प्याज बारीक काट कर शामिल करें। प्याज शामिल करने के बाद लाइट ब्राउन ऑन तक पकाएं। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करें। ज़ीरा शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके लो फ्लेम पर भूनें। जब ज़ीरे की खुशबू आने लगे तो फिर इसमें 1 चम्मच टमाटर पेस्ट शामिल करें। टमाटर पेस्ट शामिल करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें। पानी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। तकरीबन 5 मिनट तक पकाएं। 5 मिनट के बाद फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी शामिल करें, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करें, फिर इसमें असब जायका नमक शामिल करें। नमक शामिल करने के बाद फिर इसे अच्छी तरह से पकाएं मज़ीद 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद इसमें बॉयल आलू शामिल करें। आलूओं को छील कर छोटे छोटे पीसेस में काट कर बॉईल करते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया था। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल करें और आलू की मज़ेदार रेसिपी तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने और अपने घर वालों का, ख़ासकर अपने वालदेन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।